बीसीएन न्यूज के doctors.com में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं दर्शकों कि ठंडी का मौसम कहीं ना कहीं शुरू हो गया है और इन ठंडी के मौसम में कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वात रोग के मरीजों में खासा कहीं ना कहीं इजाफा देखा जाता है। तो आखिर ये वात रोग के मरीज ठंडी में इनका इजाफा क्यों होता है, आखिर वात रोग है क्या, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस doctors.com में मौजूद है डॉक्टर अतुल तेलरांदे सर शिवशंकर आयुर्वेद से, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर, और आज हम सर से वात रोग इस विषय पर चर्चा करने वाले। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि वात रोग या वात विकार ये क्या होता है? जी, वात का मतलब जैसे तीन दोष आयुर्वेद में बताया गया है उसमें से एक दोष वात होता है। तो जहाँ पे भी दर्द पेन या फिर शूल होता है वहाँ पेन की जगह आपको वात को समझा जा सकता है। सो वात रोग, वात एक दोष है, उससे तैयार हुए उसके विकृत होने से या फिर उसके विशिएट होने से जो रोग तैयार होते उन्हें हम वात रोग कहते हैं। उसमें प्रधान लक्षण दर्द रहता है, पेन रहता है। तो जहाँ पे भी बॉडी में आपको पेन हुआ समझ लेना आपको वात रोगों की शुरुआत शायद हो सकती है। सर जिस तरीके से आपने बताया कि वात रोग पेन से रिलेटेड होता है और आयुर्वेद में ये जो तीन प्रकार बताया है उसमें से होता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हर डिसीज के अपने प्रकार होते हैं तो वात रोग के कितने प्रकार है और ये कौन से हैं? जी, तो आयुर्वेद में हर अपना दोष से जो 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 विकार तैयार होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स दिए। उसमें से वात रोग 80 होते हैं, पित्त रोग 40 होते हैं और कफ रोग 20 होते हैं, ऐसा उन्होंने एक जनरलाइज नंबर दिया हो। तो 80 प्रकार के वात रोग होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। उस 80 प्रकार के वात रोगों में सारे प्रकार के छोटे मोटे वात रोग इंक्लूसिव। सो टोटल टाइप्स ऑफ वात रोग अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो 80 होते हैं। जिसमें आप फिर संधिवात भी ले सकते हैं, जॉइंट पेन भी आ सकता है, मन्यास्तंभ ले सकते हैं, उरुस्तंभ ले सकते हैं, पैरालिसिस भी उसी प्रकार में आता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वात यानी दर्द पेन, कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बताया कि वात रोग में मतलब पेन यूजुअली होता है तो हम इसको एक लक्षण मान सकते हैं, पर इसके और क्या क्या लक्षण है इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला, किसी को भी पेन हुआ तो पहला लक्षण आएगा, वहां पे भी स्वेलिंग भी हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, डिस्कलरेशन भी हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, राइट, कंपन भी हो सकता है, ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, जैसे आप कांपना बोलते शरीर का, वो भी हो सकता है, टेम्परेचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी उष्णवाद भी होता है, कभी कभी शीतवाद भी होता है। तो अगर जॉइंट पेन से रिलेटेड हो, वात रोग में एक प्रकार है संधिवात, तो संधिवात के भी अलग अलग टाइप्स है छोटे छोटे। मेनली हम लोग जिसके ऊपर आजकल जिसे वात रोग कॉमनली पब्लिक समझती है वो जॉइंट पेन होता है। ओके, पेन होना यानी वात रोग समझा जाता है। इसके अलावा भी वात रोग होते हैं, उसमें पैरालिसिस भी आ गया, फेशियल पाल्सी भी आ गया, और भी प्रकार के वात रोग छोटे मोटे 80 प्रकार के मैंने बताया। लेकिन कॉमन टर्म्स में वात रोग लोग जिसको समझते हैं वो जॉइंट पेन है, चाहे फिर वो छोटे छोटे जॉइंट्स हो या बड़े बड़े जॉइंट्स हो, या फिर गर्दन की रीढ़ की हड्डी उसके जॉइंट्स हो, या कमर के जॉइंट्स हो, जहां पे भी आपको पेन मिलता है, स्वेलिंग मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर मिलता है, स्वेलिंग मिलता है, डिस्कलरेशन मिलता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन मिलता है, ट्रेमर्स मिलता है, या फिर रिस्ट्रिक्टेड जो आप बोल सकते हैं मूवमेंट्स उस पर्टिकुलर जॉइंट की वो मिलेगी, वो आपको वात रोगों के पर्टिकुलर लक्षणों में नजर आएगा। ये अलग अलग टाइप के लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि वात रोग के अलग अलग लक्षण होते हैं, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारी दादी नानी इनको कहीं ना कहीं ज्यादातर जो है ये इस बीमारी से ग्रसित होती है, और जब भी उनको कहीं पे पेन हो रहा होता है तो वो मालिश वगैरह करके तेल वगैरह लगा के इसका निदान करने का ट्राई करती है। पर इसके इसको वात रोग को किस तरीके से और इसका निदान संभव है इस बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डायग्नोसिस के तौर पे तो सबसे पहले आपको पेशेंट डॉक्टर को सबसे पहले सिम्टम्स बताएगा, लक्षण। तो उसमें लक्षण हमने अभी भी देखे कि डॉक्टर विल एग्जामिन उस हिज जॉइंट्स, अगर जॉइंट पेन से संबंधित संधिवात से अगर हम के बारे में बात करते हैं तो वो बोलेगा कि दिस जॉइंट हैज पेन, उस जॉइंट में दर्द है, स्वेलिंग है, या फिर टेम्परेचर में प्रॉब्लम है, या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है, या जॉइंट का जो शेप है वो गड़बड़ हो गया है, जॉइंट में नॉर्मल सी नहीं है, ये सारे लक्षण डॉक्टर को बताएगा। तो डॉक्टर उसमें से डायग्नोसिस कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। उसमें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है, ये सर रेस्ट मिलेगा आपको ब्लड टेस्ट में।
जैसे आप गाउटी आर्थराइटिस की बात करेंगे तो आपको यूरिक एसिड बड़ा मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बड़े मिलते हैं। अच्छा। तो इस काइंड के ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं। उसके अलावा एक्सरे, अगर पर्टिकुलर जॉइंट की बात है, उस जॉइंट का अगर जो शेप है इंटरनल, अगर जो उसका जो कंटेंट है उसमें जो बाइंडिंग है उसके लिगामेंट्स है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, बोन्स में प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे जो गैप है स्पेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, रिडक्शन ऑफ गैप है, वो सारी चीज़ें एक्सरे से आपको पता चल सकती है। अगर सर्वाइकल स्पैन की बात करें, लंबर स्पैन की बात करें, तो MRI जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक से भी उसका निदान किया जा सकता है। कई बार सिटी स्कैन में भी आपको वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक्सरे नहीं तो MRI इन सब चीज़ों से, स्पेशली सर्वाइकल और लंबर स्पाइन्स, स्पाइनल कॉर्ड का जो संधिगत बात है वहाँ का, उसका आपको डायग्नोसिस मिल सकता है, जिसमें कोई नस फंसी हुई है क्या, कोई नस दबी हुई है क्या, या फिर जो दोनों जॉइंट्स के बीच में जो गद्दी रहती है वो उसमें कोई नाव फंसी हुई है, वो सारी चीज आपको MRI में पता चलती है। मतलब इस तरीके से इसका डायग्नोसिस किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हमने डायग्नोसिस की बात की तो किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो है वात रोग का अवेलेबल है, और बात करिए जब आयुर्वेदा की तो आयुर्वेदा में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब निदान हो जाने के बाद ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। डॉक्टर सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके परफेक्टली ये पर्टिकुलर टाइप का इस टाइप का संधिवात है या फिर और कोई बात है, तो उसका निदान हो जाने के बाद वात रोग के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम संधिवात या संधिगत वात या फिर आम वात या फिर गाउटी आर्थराइटिस जिसको बोलते रक्त वात रक्त, इस प्रकार से जो हमने संधिवातों में अस्थिगत संधिवात में जो डायग्नोसिस हमने कंफर्म किया है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। जनरली जैसे अभी हमारे क्लिनिक्स में हम लोग जैसे सिरप्स आते हैं कुछ, कुछ टैबलेट्स आती है, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑयल्स आते हैं, या पंचकर्मा भी किया जा सकता है, कुछ लेप आते हैं वो लगाए जा सकते हैं, कोई ऑइंटमेंट्स भी मिलते हैं वो लगाए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास अस्थि प्लस करके एक सिरप है, वातनाशक कंपाउंड करके एक सिरप है, पेन कंट्रोलर रस करके एक सिरप है, इसके अलावा कायामाया रस करके एक सिरप है, इसके ये बेसिक्स जो उन्होंने शास्त्रोक्त सिरप से उसका मिक्सचर है वो, इसके साथ साथ हमारे पास ऑर्थोजी, शोथारी जी, न्यूरोजी, इसका इनके कैप्सूल्स है, अक्षित प्लस टैबलेट है, अक्षित कैल प्लस टैबलेट है, ऑर्थोप्राइम डीएस नाम की कैप्सूल है। सो ये सारे जो कैप्सूल एंड टैबलेट फॉर्मेशन है वो बेसिक जैसे योगराज गुगुड़, महायोगराज गुगुड़, रसराज रस, ये अलग अलग प्रकार की रसौषधि और वनौषधि, इन सब का मिक्सचर बना के हमने एक प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन तैयार किए। इसके अलावा पेन रिलैक्स ऑयल, शिव पेन रिलैक्स ऑयल करके एक पोटेंटाइज ऑयल हमने तैयार किया है, जो एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए स्पेशली जॉइंट्स या पर्टिकुलर जिस पार्ट पे भी पेन है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। बीगे करके एक चिराय का ऑइंटमेंट आता है, उसका लिनिमेंट भी एक आता है, लिनिमेंट ऑयल करके उसका भी एप्लीकेशन हम बाहर से करते हैं। संधिलेप करके एक लेप आता है वो लगाया जा सकता है, संधिलेप करके एक टैबलेट भी बनाया है वो भी काम में आता है। तो ये अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द दोष दुष, उसमें पर्टिकुलरली किस वात दोष के साथ साथ और किसका इन्वॉल्वमेंट है वो देख के हम मेडिकेशन करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट फॉलोअप में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 95+% क्योर रेट वात में होता है। ये ट्रीटमेंट हम लोग जनरली करते हैं। ट्रीटमेंट में एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जिन कारणों से वात हुआ है उन कारणों को भी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निदान परिवर्तन जिसको कहा जाता है। सो निदान प्रिवेंशन ऑफ कॉजेस, पॉजिटिव फैक्टर्स, वो भी किया जाता है, जिससे कि आधा ट्रीटमेंट वही हो जाता है और जो बचा खुचा बात है उसको मेडिसिन से निकाल। कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल था कि हमने देखा है कि अक्सर ठंडी के मौसम में अकड़न होना या फिर पेन होना, जोड़ों में दुखना, ये सारी चीज़ें जो है वो कई बार देखी जाती है, और स्पेशली एक उम्र क्रॉस करने के बाद ठंडी के मौसम में बुजुर्गों को वगैरह इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वात रोग का कहीं ना कहीं विंटर्स के आने से कनेक्शन है? डेफिनेटली वात रोग के जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिर जिसको हम गुण कहते हैं प्रॉपर्टीज, उसमें ठंडा यानी शीत और ड्राई यानी रुक्ष, ये दो मेन गुण है। जहाँ पे भी ठंडी बढ़ेगी या ड्राइनेस बढ़ेगा वात रोग बढ़ जाएगा। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली ठंडी आने के बाद वात का शीत गुण बढ़ जाता है और पेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। यही चीज अगर वात का ड्राइनेस भी उसमें बढ़ जाता है तो और एडिशनल पेन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपने बोला कि ठंडी आने से अकड़न जकड़न आता है, तो वात के रुक्ष
और शीत गुण के बढ़ने से ठंडियों में रुक्षता और शीतता दोनों चीज बढ़ जाती है, स्किन भी ड्राई हो जाती है ठंडियों में, देखो यानी ड्राइनेस यानी रुक्ष गुण और ठंडी तो है ही, ये दोनों चीजों से वात प्रकोपित हो जाता है और वात के जो रोग है और प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वात रोग मतलब स्पेशलाइज्ड एक उम्र में ऊपर क्रॉस करने के बाद ही होती है या फिर युवाओं में भी इसे देखा गया है, इस बारे में जानना चाहते हैं। युवाओं में, लेडीज में, यंग लेडीज में वात रोग देखा जा सकता है, अर्लियर एज में 14-15 की एज में भी आम वात जैसे रोग होते हैं। ओके, लेटर एजेस में यानी ओल्ड एज में, खासकर लेडीज या फिर जेंट्स में भी, जहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है और बुढ़ापे की एज में यानी वृद्धावस्था में नेचुरली वात का शरीर में बढ़ोतरी हो जाती है, वात का ही उसको काल कहा जाता है, तो उन लोगों में वातरोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, जॉइंट्स घिस जाते हैं, शरीर पुराना हो जाता है, जिसके कारण से शून्यता तैयार हो जाती है शरीर में और जिसमें वात आराम से संचित हो जाती है। ये ज्यादातर आपको ओल्ड एज में मिलता है लेकिन अर्ली एज में नहीं मिलता, ऐसा नहीं। अच्छा। जिन लोगों को ओवर एक्सर्शन हुआ है, कैल्शियम डेफिसिट हुआ है, उनके बॉडी में कम रहा है, जिनके जॉइंट्स में कुछ मार लगी है, जॉइंट्स घस गए ओवर एक्सर्शन से, या फिर जिन्होंने शीत रुक्ष आहार वात प्रकोप होने वाला आहार सेवन किया है, या जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट हो गया है, या जिन्होंने आम का सेवन ज्यादा किया, जो खाना खाने के उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहा है, ऐसे लोगों को अर्ली एज में भी वात हो सकता है। आम वात और वात रक्त, गाउटी आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस अर्ली एज में भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपने जिस तरीके से कहा कि खासतौर पर महिलाओं में वात रोग देखा गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं से भी मतलब वात रोग का संबंध है, या फिर इसके पीछे की मैं वजह जानना चाहती हूँ आपसे कि क्यों महिलाओं में सबसे ज्यादा वात रोग देखा जाता है? महिलाओं में वात रोग होने का कारण यह है कि उनमें उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ओवर एक्सर्ट हो जाती है। अगर वर्किंग लेडी है तो घर के काम भी करते हैं, बाहर के काम भी करती है और खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। अगर उन्होंने बच्चों को जन्म दिया यानी वो डिलीवर्ड है, मैरिड लेडी है अगर, तो एडिशनली उनके लेबर में या फिर प्रेगनेंसी के दरमियान जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए तो मिला नहीं है, तो वो कैल्शियम की कमी आपको साफ साफ दिखती है। आप कॉमनली पूछ लो लेडीज में, एक या दो डिलीवरी होने के बाद उनकी कमर में पेन मिलता ही मिलता है। उनके काम भी घरगुती काम ऐसे होते हैं जिसमें उनको ज्यादा झुकना वगैरह पड़ता है और इतनी ज्यादा एब्रप्टिव मूवमेंट्स के कारण और इन सब डेफिसिट के कारण उनमें वात रोग के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके लिए अगर प्रेगनेंसी के दरमियान कैल्शियम एंड आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसको भर लिया जाए, डिलीवरी के बाद भी अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, एक्सरसाइजेस प्रॉपरली ली जाए और बॉडी को फ्लेक्सिबल रखा जाए तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आजकल किसी को इसके लिए टाइम नहीं, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं, खुद की तरफ ध्यान देने को टाइम नहीं। वर्किंग वेमेन है उनको ज्यादा ही टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि उनको घर का काम करना है, बच्चे तो उनको भी संभालना है और फिर आपके वर्क को भी संभालना है। इस चक्कर में उनका माल न्यूट्रिशन एक प्रकार से हो जाता है, कैल्शियम उनकी बॉडी में कम हो जाता है, ओवर एक्सर्शन हो जाता है, उसमें उनके पीरियड्स चलते रहते हैं, उसमें भी उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी उसी कारण से भी उनको वात रोग होने के चांसेस ज्यादा। जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ युवाओं में भी वात रोग की शिकायत देखी गई है, तो क्या इसका संबंध हमारे डेली लाइफस्टाइल है, मतलब जिस तरीके से हमारी डेली लाइफस्टाइल रहती है उससे रिलेट करके वात रोग होता है, इस बारे में जानना चाहते हैं? डेली लाइफस्टाइल में देखिए आप सीधी सीधी बात है कि ओवर एक्सर्टिव लाइफ, कुछ लोग हैवी जिम करते, कुछ लोग हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं और उस प्रोपोर्शन में डाइट नहीं लेते। आजकल का लाइफस्टाइल आप देखो, लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, टाइमली खाना नहीं खाते, जंक फूड ज्यादा खाते, फास्ट फूड ज्यादा खाते, गुपचुप जैसी अपना क्या कहते उसको, पानीपुरी जैसी चीजें, पेस्ट्रीज जैसी चीजें, या फिर पिज्जा बर्गर जैसी फास्ट फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा पड़ते हैं, इन चीजों ब्रेड बिस्किट जैसी चीजें, ये सारी चीजें प्रिजर्वेटिव्स पड़ी हुई है और ये न्यूट्रिशियस नहीं होती उतनी जितनी की बॉडी को होनी चाहिए। फ्रूट्स लेने चाहिए आपको, नॉर्मल डाइट आपका जो बैलेंस डाइट है वो लेना चाहिए आपको, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खानी चाहिए, नॉनवेज खाते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव ताजा खाना खाना चाहिए, प्रिजर्वेटिव वाला खाना, हेल्दी डाइट लेना, फ्रेश चीजें खानी चाहिए और टाइमली खानी चाहिए। अगर आप टाइमली नहीं खाते हो तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा बॉडी में, भूख भी आपकी सही नहीं रहेगी, इससे बॉडी का जो प्रोपोर्शन है नेचुरल प्रोपोर्शन यंग एज में ही बिगड़ गया, तो फिर ये चांस हो गई चीजें इस दे कैन डेवलप विद वात रोग, वात रोग उनको हो सकता है।
कहीं ना कहीं बहुत बार मतलब ये बचपन में भी पढ़ाया गया है कि इम्यूनिटी पे जो है हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। मतलब अगर हमारी इम्यूनिटी वीक रही तो बुखार जल्दी आता है या फिर कोई भी चीज़ हमको होता है। तो क्या वातरोग के साथ भी ऐसा ही कुछ है? इम्यूनिटी पे किस तरीके से वातरोग संबंधित है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। इम्यूनिटी देखिए, जैसे रोग प्रतिकारक क्षमता, ऐसा उसका कॉमन डेफिनेशन आयुर्वेद के हिसाब से। इम्यूनिटी क्या क्या है हर लेवल पे, मॉडर्न यानी मॉडर्न साइंस भी वही कहता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस। अब आयुर्वेद में अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो धातुगत इम्यूनिटी यानी धातुगत रोग प्रतिकारक क्षमता, हर धातु स्किन की एक अलग, अपना जॉइंट्स की अलग यानी बोन्स की अलग, आपके मज्जा धातु की अलग, हर धातु की अपनी इम्यूनिटी होती है, हर टिश्यू की अपनी इम्यूनिटी होती है। जहाँ पर भी आपको, अगर आपके शरीर की जो सहन करने की क्षमता है, एक्सर्शन सहन करने की क्षमता है, आपका जो कंपोजिट आपका कंपोजिशन जो है वो अगर बाय बर्थ ही अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग। ऐसी कंडीशन में एब्रप्ट खाना पीना और एब्रप्ट एक्सरसाइजेस या आपका जो लाइफ स्टाइल अगर जस्ट नेचुरल नहीं, हेल्दी नहीं है तो भी आप तो नहीं खाते तो भी आपको वातरोग नहीं होते। ये इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी बॉडी आपका जो धातु है, खासकर हम बोन्स की बात करते हैं या मसल्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, ये आपके या रक्त धातु या रस धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे 7 धातु बॉडी में बने, यानी 7 ह्यूमर्स है आपके बॉडी के, जिसके ऊपर आपकी बॉडी बनी हुई। इन 7 टिश्यूज को अगर हम मॉडर्न टर्म्स में बोलते हैं कि अगर कंपोजिशन अच्छी है, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है और वो अपने आप को अच्छे से होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाती है, यानी अपने आप को बैलेंस रख पाती है, तो उन पर्टिकुलर धातु की इम्यूनिटी अच्छी। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है इसका मतलब वो लोग डिजीज से दूर रहेंगे। तो डेफिनेट आपकी बॉडी की जो इनबिल्ट इम्यूनिटी है या अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो अगर अच्छी रखी जाए तो फिर आपको कंसेशन मिल सकता है लाइफस्टाइल में और बात लोगों से आप दूर। कहीं ना कहीं आपने कहा था कि खान पान अगर हमारा प्रॉपर नहीं रहा, डिसबैलेंस रहा, हेल्दी चीज़ें हमने नहीं खाई, फ्रेश चीज़ें हमने नहीं खाई, तो इसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ मतलब हेल्थ पे है जो इफेक्ट हो सकता है। इसी का संबंध वात रोग से किस तरीके से आपसे जानना चाहती हूँ जी। जैसे आयुर्वेद में 2 प्रकार के ही डिसीजेस वर्णन किए, आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ। आमाशय यानी इंटेस्टाइन का ऊपर का पार्ट, स्टमक भी उसमें आता है, पश्चिमाशय यानी मिड अपना स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन यानी पकवाशय। सो आमाशय कफ और पित्त का स्थान माना जाता है और पकवाशय वात का स्थान माना जाता है। तो वात पित्त कफ तीनों डिसीजेस ये आपके उदर से ही यानी पेट से ही जन्म लेते हैं। जो आपने खाना खाया या जो भी खान पान आपने की है उसके हिसाब से डिसीजेस बॉडी में तैयार हो सकते हैं। अगर आपका खाना बैलेंस्ड है तो जो दोष है वो प्रॉपर निर्माण होगा, लेकिन अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं है तो दोष विकृत तैयार होंगे। जहाँ पे वात दोष की बात आती है वो पक्वाशय में जन्म लेता है, उसका निर्माण पक्वाशय में होता है। तो पक्वाशय समुत्थ होते हैं वात रोग। पक्वाशय में वात रोग का निर्माण अबनॉर्मल या विकृत स्वरूप में हुआ तो वात रोगों को आपका खान पान जन्म देगा, ऐसा इसका मूल सीधा सीधा आयुर्वेद में लिखा हुआ। सो खाना पीना आपका एकदम नेचुरल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। जंक फूड फास्ट फूड की हमने जैसे बात की है उस काइंड से अगर वात बहुत ही ड्राई खाना खा रहे हो, सीजनल डाइट्स भी होता है, सीजनल रेजिमेंट होता है। हमारे यहाँ पे हर त्योहार में हर सीजन में अलग अलग टाइप का खाना खाने की पद्धत है, ठीक है। तो अगर आप ड्राई और ठंडा खाना ठंडियों में खा रहे तो क्या होगा, वात प्रकोपित होगा, कब भी हो सकता है उसके साथ अगर स्निग्ध खाना खाया जाए तो। इसीलिए खान पान से सीधा वात रोग का संबंध है। अगर दूषित वात पकवाशय में निर्मित हो गया तो आपको वात रोग। मतलब कहीं ना कहीं अगर हमारी चीज़ें हम लोग फ्रेश चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं और प्रॉपर टाइम पे खाएं तो इससे हमें वात रोग से हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। डेफिनेटली एक और चीज़ ऐड करूंगा इसमें कि जैसे लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, हर सीजन में पीते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते तो उसमें शीत गुण आ जाता है और ड्राइनेस भी आ जाता है, ठीक है। वो अगर कंसिस्टेंट खाना खाते रहो वात रोग आपको परफेक्टली गिफ्ट में मिल जाएगा। तो आप सीधी सीधी कोरिलेट करके देखो कि फ्रिज का खाने वाले लोगों को वात रोग होने की संभावना ज्यादा दिखती है कहीं ना कहीं। तो वो चीजें जो फ्रिज की खाना या फिर पानी वगैरह जो प्रिजर्व करके रखता है फ्रिज में वगैरह, तो ये चीजें अवॉइड की तो कहीं ना कहीं हम लोग वात रोग से बच सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे था कि हमारे दर्शकों को आप टेक होम मैसेज क्या देंगे जी इन डिस्कशन से? जैसे बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि वात रोग होने के कारण क्या होते हैं, उनको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, कॉजिटिव फैक्टर को ट्रीट द कॉज या प्रिवेंट द कॉज। जिन कारणों से अगर बात हो रहा है
वात बढ़ रहा है खान पान से, खासकर आपके डाइट से, उसके अलावा आपकी आपके डेली रेजिमेंट जो आपका जो भी डेली लाइफस्टाइल है उसमें जो आप खाने की बात तो हो चुकी है, लेकिन आपका जो बिहेवियर, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है सुबह सुबह, सो दैट आप दिन भर के एक्सर्शन के तैयार हो. कुछ लोग बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं. एक्सरसाइज इज अ वार्म अप फॉर आपके रूटीन, जो दिन भर भी आपको जो भी एक्सर्शन होगा वो सहन करने की ताकत देगा. एक्सरसाइज भी नहीं करते और एक्सर्शन भी करते हो तो डेफिनेटली यू आर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ डिजीजेस. सो टेक होम मैसेज यही है कि अपने आप को फिट रखिए, खान पान अच्छा रखिए, खासकर वात से वात ना हो ऐसा रुक्ष आहार ना ले, ड्राई आहार ना ले, जंक फूड प्रिजर्वेटिव वाला आहार ना ले, सो दैट आप वात रोगों से बच सकते हैं. सो टेक होम मैसेज एक ही है कि हेल्दी खाइए, फ्रेश खाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, तो वात रोगों से बचे रहिए. कहीं ना कहीं सही कहा सर ने कि जिस तरीके से हेल्दी खाना है, फ्रेश खाना है, चीज़ें प्रॉपर बैलेंस में खाना है, और मतलब जो टाइम इंटरवल होता है खाने का वो प्रॉपर बैलेंस में रहना चाहिए, और साथ ही एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो वात रोग से आपको बचा सकती है. और मतलब अगर आप युवा है तो ये चीज़ें आपको इसलिए भी हेल्पफुल होगी कि आपको वात रोग नहीं होगा. आज की हमारे इस खास मुलाकात मतलब doctors.com में फ़िलहाल इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. और आज के हमारे doctors.com में फ़िलहाल इतना ही. ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News. नमस्कार.